अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आप दोस्तों के लिए आज मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आप अपनी किसी भी तस्वीर से अगर बैकग्राउंड को रिमूव करना चाह रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन में हाथ करके लाया हूँ, जिसके ज़रिए आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड कुछ ही सेकंड में रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं अपने प्ले स्टोर में आ जाता हूँ। प्ले स्टोर में आ जाने के बाद आपने यहाँ पे ऑटो बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड चेंजर, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो मेरे पास नेट का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इसका आइकन शो नहीं हो रहा है। तो इसका आइकन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एप्लीकेशन का ये वाला आइकन है, गौर से आप देख लें। ये एप्लीकेशन आप दोस्तों को इंस्टॉल कर लेनी है। मैं इस एप्लीकेशन को कर लेता हूँ ओपन। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो ये कुछ इस तरह की मेरे सामने खुल के आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने कट आउट पे क्लिक करना है। मैं कट आउट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा, ये गैलरी मांग रहा है तो गैलरी पे दबा दूँगा और यहाँ से मैं अपनी इस तस्वीर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तस्वीर को जितना आपने क्रॉप करना है क्रॉप कर लें। फिर आपको यहाँ पे ये राइट का निशान मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लें। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर लिया है तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव ऑटोमेटिक तरीके से एप्लीकेशन कर रही है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाए तो मैं आगे का प्रोसेस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करती है। तो ये देखें, इसने बैकग्राउंड रिमूव करना शुरू कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन ने इस इमेज का बिल्कुल ही बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है इसने। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ इस राइट पे क्लिक कर लेना है। मैं इस राइट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये देखें, इसका बैकग्राउंड रिमूव होके आ गया है। फिर दोबारा से इसी राइट पे क्लिक करूँगा। जैसे इसी राइट पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया है, मुझे इस पे बीच वाले पे क्लिक करना है, सेव जेपीजी इमेज। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये तस्वीर मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी और फिर मैं इस तस्वीर को कहीं पे भी लगा सकता हूँ। इसके पीछे किसी भी बैकग्राउंड के आगे लगा सकता हूँ, पीछे कोई भी बैकग्राउंड दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। और जो नए हजरात हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट इरफान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।